जनवरी तक डिफर कर गई दी गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगा था जिसकी सुनवाई होनी रह गई थी, जो ओबीसी रिजर्वेशन को लेके था। ठीक है, तो वही सुनवाई सेम नीट यूजी के लिए भी एप्लीकेबल हो रही है, जो 6 जनवरी 2022 को होनी है। तो मोटा मोटी आप इतना समझ लीजिए कि 6 जनवरी 2022 से पहले तक आपको काउंसलिंग की कोई भी तारीख नहीं बताई जाएगी, गवर्नमेंट नहीं बता सकती, एमसीसी नहीं बता सकती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 जनवरी से हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं बेटा। ठीक है, 6 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा, या तो हो सकता है वो और अगली डेट दे सकते हैं, या तो हो सकता है वो कोई डिसीजन पे पहुंच जाए, या तो हो सकता है वो कोई इंक्वायरी कमिटी बैठा दें, या कुछ और टाइम ले लें। ठीक है, तो ये तो बेयर मिनिमम है कि 6 जनवरी से पहले हमें कुछ नहीं पता चल रहा, बट हो सकता है इसमें और भी ज्यादा टाइम लग जाए। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो गई कि 6 जनवरी से पहले तो आपकी काउंसलिंग शुरू नहीं हो रही है, मतलब आपकी काउंसलिंग जब भी शुरू होगी तो या तो वो जनवरी 15 के बाद होगी, या 20 जनवरी को सकती है, या उसके भी लेट हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है इंटायरली 6 जनवरी को कि क्या सिनेरियो होगा। ठीक है, तो इससे क्या इफेक्ट होगा नीट 2021 एस्पायरेंट्स को, पहले ये समझो। ठीक है, तो बेटा जो नीट 2021 के एस्पायरेंट्स हैं उनका पूरा एकेडमिक सेशन शिफ्ट हो जाएगा। ये तो कोविड के टाइम से भी ज्यादा बुरा हाल हो गया, क्योंकि कोविड के टाइम में दिसंबर तक तो बैच स्टार्ट हो गया था, इनका एकेडमिक सेशन हो सकता है अप्रैल तक शिफ्ट कर जाए। तुम क्योंकि देखो कि अगर मान लो कि 20 जनवरी को ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, तो 20 फरवरी 20 मार्च, ठीक है, तो मतलब अप्रैल तक तो आपको काउंसलिंग, अर्लीएस्ट अगर कॉलेज खुल रहा है तो अप्रैल में खुल रहा है फॉर नीट 2021 एस्पायरेंट। मतलब आई रियली फील बैड फॉर नीट 2021 एस्पायरेंट कि मतलब उनकी कोई गलती के वजह के बिना भी उनका एक साल एसेंशियली खराब हो रहा है, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट गुड एट ऑल, है ना। बट क्या कर सकते हैं बेटा, आपको आपका टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस की वजह से आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए। सो यू शुड स्टार्ट स्टडिंग फिजियोलॉजी, यू शुड स्टार्ट स्टडिंग एनाटमी, है ना, और यू शुड स्टार्ट स्टडिंग बायोकेमिस्ट्री। ठीक है बेटा, इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और मैं फिजियोलॉजी, मेडिकल फिजियोलॉजी के लिए क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा अपने चैनल पे। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा, मेडिकल फिजियोलॉजी की मैं बहुत जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो यू द राइट पाथ, और मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट आपका एक सब्जेक्ट तो मैं इस महीने स्ट्रांग करके भेजू। ठीक है, फॉर नीट 2022 एस्पायरेंट जो नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में भी अनसर्टेनिटी आ रही होगी कि भाई अगर अप्रैल में एग्जाम नीट, अप्रैल में बैच नीट 2021 का लॉन्च हो रहा है, तो क्या एग्जाम गवर्नमेंट मई जून या जुलाई में करा पाएगी? बेटा इसका जवाब है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच पूछो तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि रनिंग अ मेडिकल कॉलेज लाइक रिक्वायर्स लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, आपकी क्लासेस का एक फिक्स स्ट्रेंथ है, 150 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे का एक फिक्स स्ट्रेंथ है, आपके लैब्स का एक फिक्स स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से मेडिकल कॉलेजेस की क्वालिटी बनी रहती है, सबको एक्सपोजर मिलता है। अगर हम दो बैच एक साथ डाल देंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि नीट 2021 और नीट 2022 के बच्चे साथ ही पढ़ रहे हो, या 2-3 महीने के इंटरवल में पढ़ रहे हो, या तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे नॉर्म्स पे आए कि डे नाइट कॉलेज चलाएं, या कुछ और फिगर आउट उनको करना पड़ेगा, तभी नीट 2022 का एग्जाम जून में हो सकता है। तो अभी नीट 2022 के एस्पायरेंट्स को क्या करना चाहिए बेटा? देखो, आपको एक डेडलाइन लेके चलना चाहिए, ठीक है, विच शुड बी नॉट फार देन 15 जून। देखो यार, अगर तुम डेडलाइन बाद का रखोगे, ठीक है, तो तुम्हारा तैयारी खराब होगा। ठीक है, एग्जाम हो सकता है जून में ना हो, एग्जाम हो सकता है जुलाई में ना हो, एग्जाम हो सकता है अगस्त में भी ना हो। ठीक है, बट आप अपना डेडलाइन 15 जून लेके रखिए, क्योंकि अगर आप डेडलाइन 15 जून के बियॉन्ड रखेंगे तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगेंगे। ठीक है, अगर आपका सिलेबस सब कुछ 15 जून तक खत्म हो जाता है, तो जितना ज्यादा आपको ये टाइम मिलेगा आप उसको रिवीजन में यूटिलाइज कर सकते हैं, और आप इस रेस में आगे जा सकते हैं। सो इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2020